हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके दोस्त प्रीति, और आज मैं आपको दिखाती हूं आखिरी दिन हमने कोरोमंडल में क्या किया, कैसा रहा हमारा दिन और कहां कहां हम घूमे। तो बने रहना मेरे साथ। हमारा भी नहाने का टाइम हुआ है और बहुत सारे लोग जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो हम इतने आलसी हैं। वैसे टाइम बता देती हूँ, 8 बजे अभी, बट स्टिल हमने सोचा कि अगर हॉलीडेज़ पर हैं तो आराम से उठें, आराम से सारे काम करें, तो अभी बस शावर लेने जा रहे हैं हम। सो बेस्ट पार्ट जो मुझे कैंप साइट का लगता है वो ये है कि आप यहाँ पे खुद घर से बनाया हुआ खाना खा सकते हो। आपको डेली डेली बाहर खाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने साउथ आइलैंड के ट्रिप करे हैं 2 बार, एंड दोनों हमने ऑलमोस्ट 10 to 12 days के किए थे। आप सोचो, 10 से 12 days तक हमने खुद घर का बना हुआ खाना खाया था। डेली डेली बाहर खाना मुझे सूट नहीं करता। सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट हॉलीडे होम और ये जो कैंप साइट्स होती हैं वो। एक और चीज़ है, जिस टाइम तक हम रेडी होते हैं उस टाइम तक किचन एकदम खाली हो जाती है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खाली किचन है, एकदम मैं थी अकेली जो आराम से काम कर रही थी यहाँ पे। तो 2 साल पहले भी आज के दिन हम ट्रैवल कर रहे थे और हमारा ब्रेकफास्ट था छोले कुलचे, और आज भी हमारा ब्रेकफास्ट है छोले कुलचे। तो बस अब हम ये गरम गरम छोले कुलचे खाएंगे, फिर हम निकलेंगे इस हॉलीडे हाउस से। तो अभी हम वापस जा रहे थे तो हमने बस ये कुक्स बीच पे रोका है यहाँ पे। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, जिनकी पर्सनल अपनी बोट है ना, आप देख सकते हो वो लोग बहुत हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे वॉशरूम वगैरह जस्ट मेरे पीछे है, ये इधर आप वहाँ पे जा सकते हो। तो अभी देखते हैं कैसा है, ये बीच देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। सो कुक्स बीच पे आप फिशिंग कर सकते हो, हाइकिंग कर सकते हो, स्नॉकलिंग कर सकते हो, कायाकिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में अगर आपको बहुत दूर दिखेगा तो आपको कयाक करते हुए भी दिखेंगे, अगर आप राइट साइड में देखोगे तो। काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड वाइट सैंड बीच है ये, अपने आप में भी अगर आप सनबेडिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा, आराम से रिलैक्स कर रहे हो। कुक्स बीच पे कितनी सारी हमने 3 या 4 बोट जाते हुए भी देख ली, आते हुए भी देख ली, टोटल कंबाइन बता रही हूँ। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो एक वो ट्रैक्टर लेकर बोट को अभी वाला जो है वो लेने आ रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक जो आपकी प्राइवेट आपके पास अगर बोट वगैरह वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। सो इतने अच्छे व्यू के साथ मैं ले रही हूँ अपना बादाम मिल्क और सारांश पी रहे हैं अपनी चाय। चीयर्स। सो हम अब वापस निकल गए थे घर के लिए, और रास्ते में हमें ये स्पॉट दिखा था जहाँ पे हम रुके और 2-4 हमने फोटोग्राफ खींची है, एंड बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ से। So, इतनी गर्मी है यहाँ पे, मेरे को रियल फ्रूट आइसक्रीम की शॉप दिख गई थी, तो फिर आपको पता ही है कि वो तो ज़रूरी चाहिए मुझे। तो अभी हम बस आइसक्रीम लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एंड वो पीछे रही पिंक कलर का जो बोर्ड है वो है रियल फ्रूट आइसक्रीम वालों का, तो चलो चलते हैं वहाँ पे अब। सो यहाँ पे रियल फ्रूट आइसक्रीम छोटे छोटे जो डेरी शॉप्स होती हैं, कन्वीनियंस स्टोर जो होते हैं यहाँ पे, न्यूजीलैंड में उन्हें डेरी शॉप्स कहते हैं, वहाँ आपको बहुत आराम से मिल जाती है। तो यहाँ वाली जो है वो थोड़ी सी महंगी है एज़ कम्पेयर टू जो हम रेगुलर कहीं भी लेते हैं ना आइसक्रीम्स, मिक्स्ड बेरी या फिर कोई सा भी फ्रूट आइसक्रीम। अगर आपने योगर्ट बेस्ड ले रहे हो या फिर आइसक्रीम बेस्ड ऑल्सो, जो रियल फ्रूट आइसक्रीम्स है वो 550 या 650 मैक्सिमम आ जाती है, बट इनका 99, इनके डिफरेंट रेंज थे, साइजेस डिफरेंट थे, पर 990 था जो मैंने मीडियम लिया वो 990 की है यहाँ पे। सो आज मैंने लिए योगर्ट बेस्ड मिक्स्ड बेरी, तो अब करते हैं टेस्ट। यम्मी। सो रास्ते में हमें ये अब रिटर्न मिल गया था जहाँ हमने रोक लिया था, होपफुली आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो यहाँ पे इन्होंने आ भी दी आवाज़ें, यहाँ पे इन्होंने ये नोटिस लगाया हुआ है, इट इज़ अ होम टू अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ हेंस एंड रूस्टर्स, प्लीज डोंट फीड द बर्ड्स पार्सले एवोकाडो से। ओके,
ओके, तो इसको आप ब्रेड वगैरह खिला सकते हो, पर इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे एवोकाडो वगैरह जो मना किया हुआ है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे और आवाज़ें आ ही रही है काफ़ी सारे हैं। उस साइड भी है। सो इट्स लाइक अ बोटानिकल गार्डन जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पेड़ वगैरह होते हैं, और इन्होंने सारे पेड़ वगैरह की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी वहाँ पे। सो होपफुली अच्छी लगी होगी आपको मेरी आज की वीडियो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।